हे गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन इन व्लॉग्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। आप सभी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस कढ़ाई पनीर को बनाने के लिए मैंने प्याज लिया हुआ है, जिसे मैंने इस तरीके से कट करके उसके पेटल्स अलग कर लिए हैं, और शिमला मिर्च का साइज़ में सेम रखने के लिए मैंने उसे भी स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में उसे कट कर सकते हैं, बट याद रखिए इन दोनों को हमें थोड़ा बड़ा रखना है। फिर आधी इंच अदरक ली है। अब दो टमाटर लेकर मैंने उसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 10-11 लहसुन लिया हुआ है, और जो प्याज का पेटल्स हमने अलग करके रखा हुआ था उसके अंदरूनी हिस्से को मैंने अलग से रख लिया है। इसके अलावा हरी मिर्च को इस तरीके से कट कर लिया है, और हाफ लेमन लिया है। इन सभी के अलावा मैंने करी पत्ता लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना डालें। अब मैंने 250 ग्राम पनीर लेकर उसे भी क्यूब्स के फॉर्म में कट कर लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले 1/4 चम्मच नमक डाल दूँगी। यहाँ पर हमें नमक बहुत कम यूज़ करना है। इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। फिर लगभग 1/4 चम्मच हम हल्दी ऐड कर देंगे। उसके बाद इन तीनों को इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके ऊपर हाफ लेमन जो मैंने लिया हुआ था उसे इसके ऊपर डाल दूँगी। उसके बाद इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे मैरिनेट होने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने काली मिर्च और बड़ी इलायची को थोड़ा सा कूट कर ऐड किया है। ध्यान रहे कि आपको बड़ी इलायची को थोड़ा कूट कर ही डालना है, वरना वो गर्म तेल में जाने के बाद फट सकता है और आपके ऊपर आ सकता है। क्योंकि इस समय तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए हमें फ्लेम को हाई में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन को ऐड कर दूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा छिटक रहा है, इसलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। इस समय हमें फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। लगभग 20 से 30 सेकेंड बाद मैं कवर को हटाकर उसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। फिर उसमें करी पत्ता डालकर मैं इसे फिर से कवर कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज का एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने अलग से निकाल कर रखा हुआ था उसे डाल दूँगी। फिर इसमें अच्छे से चम्मच चलाते हुए जो इलायची हमने डाला हुआ था, अब उसका फ्लेवर ऑयल में आ चुका है, तो हम उसे भी निकाल कर बाहर रख देंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसे अच्छे से चम्मच चलाकर कवर करके रख देंगे लगभग 1 मिनट के लिए। अब हम कवर हटाकर इसमें पनीर के कुछ 2-3 क्यूब्स ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज में पनीर की जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए पनीर ऐड करने से इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है, और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि जब आप पनीर कट करते हैं ना, उस समय जो एक्स्ट्रा पनीर का पार्ट निकल जाता है उसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें इसके अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। याद रहे कि आपने पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ है, उसमें भी आपने नमक यूज़ किया है, तो नमक को हम पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नमक थोड़ा कम यूज़ करना है। अब लगभग 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद लगभग 1 मिनट तक इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे कवर करके लगभग 2 मिनट तक रख देंगे। एक बार फिर हम कवर को हटाकर इसमें अच्छे से चम्मच चला देंगे। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को एक ग्राइंडर जार लेकर उसमें डाल देंगे। ध्यान रहेगा इस समय ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको इस स्टेज में इसे बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है। आप इसे कम से कम 10 मिनट ठंडा कर लीजिए, या फिर इतना ठंडा कर लीजिए कि आप इसे टच कर सकें। अगर आप इसे गर्म में ही ब्लेंड करेंगे तो इसमें अंदर भाप बन जाएगा और उसका कवर निकल कर आपका पूरा किचन ख़राब हो जाएगा। जब तक ये मिक्सर ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम पहले शिमला मिर्च को 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें प्याज के जो पेटल्स अलग करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हम लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। टोटल हमें इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करते हुए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे भी अलग निकाल लेंगे।
इसके बाद हम सेम कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल ऐड कर देंगे और हमने जो पनीर मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था उसे इसमें हम शैलो फ्राई कर लेंगे। पनीर लगभग 4 से 5 मिनट में शैलो फ्राई हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है वरना पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब जिस बाउल में मैंने पनीर को पहले मैरिनेट होने के लिए रखा था उसी बाउल में मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद उसमें अब मैं जो फ्राई किया हुआ पनीर है उसे डाल दूँगी और उसके ऊपर फिर से मैं ठंडा पानी डाल दूँगी। ऐसा करने से हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। ऐसा करने से कढ़ाई पनीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब जो मिक्सचर हमने प्योरी बनाने के लिए ठंडा होने के लिए रखा था वो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ से टच कर सकती हूँ, ये इतना ठंडा हो गया है। अब इसका कवर लगाकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसकी प्योरी बना लेंगे। सभी देख सकते हैं इसकी प्योरी बहुत ही अच्छी बनी है, आपको भी बिल्कुल इतना ही इसे ग्राइंड करना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म करके सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें तेज़पत्ता डाल रही हूँ, फिर दालचीनी और 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा तल लेंगे। लगभग 40 से 50 सेकंड के बाद मैं इसमें जो प्यूरी बनाकर हमने तैयार किया हुआ है ना उसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे तब तक चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट ना होने लगे। गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा मैंने इसमें पहले से ही सारे मसाले ऐड किए हुए हैं, पर हमें अगर किसी भी मसाले की कमी महसूस हो रही है तो इस स्टेज पे हम आके वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। प्यूरी को हम लगभग 5 मिनट तक के अच्छे से पका लेंगे। इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग गया है और ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। इस स्टेज में हम अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज का पेडल जो हमने फ्राई किया है उसे ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से प्यूरी के साथ पका लेंगे। इसमें अच्छे से चम्मच चलाकर हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, फिर कवर हटाकर हम इसे फिर से अच्छे से चम्मच चला देंगे। इसमें उसकी थोड़ी देर बाद हमने जो पनीर को रखा हुआ था उसमें पानी बचा हुआ है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अलग से हल्का गुनगुना पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे भी कवर करके लगभग 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी लगभग बनकर कम्प्लीटली रेडी है। आप सभी देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अभी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब लास्ट में हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाते हुए उसे भी अच्छे से पकने देंगे। पनीर को डालने के बाद हमें लगभग 3 से 4 मिनट ही इसे पकाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक बार हम उसे अच्छे से कवर करके पका लेंगे। पनीर को पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा कढ़ाई पनीर बनकर कम्प्लीटली रेडी है। मैं इसे आपको क्लोजअप पर दिखाती हूँ। गाइस, ये जितना दिखने में अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगता है। आप सभी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस कढ़ाई पनीर को किसी भी पराठे या फिर राइस के साथ खा सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।